मर्सिडीज़, ऑडी, बीएमडब्ल्यू नहीं खरीदना चाहते हैं तो वॉल्वो की XC60 आपके लिए ही क्यों बनी है, इसी का जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और साथ में बताऊंगा कि एक अलग दुनिया, एक अलग अंदाज, एक स्वीडिश टेस्ट आपको ये XC60 क्यों दे जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको एक एक चीज़ बताते हैं इस वॉल्वो XC60 के बारे में और ले चलेंगे आपको एक बढ़िया सी ड्राइव पर जहाँ पर इसके परफॉर्मेंस की भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की और डिज़ाइन में आपको बहुत सारी खूबसूरती कई जगह पर नज़र आएगी। ये जो ग्रिल है ये भी आपको अच्छा लगने वाला है, चारों तरफ आपको क्रोम की पट्टी नज़र आ जाती है और यहाँ पर वॉल्वो का आपको लोगो मिल जाएगा जहाँ पर कैमरा दिया गया है और ये खूबसूरती के साथ आपको नज़र आएगा और ये अपना बढ़िया से काम भी करता है। हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। डिज़ाइन वाइज बहुत ही रिच है, बहुत ही खूबसूरत है और LED DRL इसके बीच से निकलता हुआ वॉल्वो यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, ये आपको पसंद आएगा। साथ ही जब आप इसके फॉग लैंप को तलाशने की कोशिश करेंगे तो फॉग लैंप कहाँ पे दिया गया है वो दिखा देता हूँ। तो फॉग लैंप आपको एकदम नीचे नज़र आएगा लेकिन तब दिखेगा जब अंधेरा होगा और आप इसे जलाकर रखेंगे। अगर वैसे मैं पूछूँ फॉग लैंप कहाँ है तो शायद आप दिखा भी नहीं पाएगा। तो क्रोम का अच्छा इस्तेमाल आपको चारों तरफ मिलने वाला है। सामने आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं जब गाड़ी को आप पार्क कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी सामने से वॉल्वो XC60 में और ये आपको ज़रूर पसंद आने वाली हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर कई सारी दिलचस्प चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो बता देता हूँ आपको। तो 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा क्योंकि जिस सरफेस पर खड़ा किया हो वहाँ पर आप ग्राउंड क्लियरेंस इसका महसूस कर सकते हैं। टायर जो इसमें दिए गए हैं इसका जो प्रोफाइल है 235/55R19 का है और इसमें आपको ड्यूअल टोन ब्लैक और ये सिल्वर का इस्तेमाल मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मिशेलिन के टायर दिए गए हैं और वॉल्वो का लोगो बीच में मिल जाता है तो ये खूबसूरती यहाँ पर आपको रची वैसे ही मिलने वाली है। बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते हैं और रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ भी मिल जाता है, अगर आपके पास चाबी है तो ये एक्सेस हो जाए और कर सकते हो आप गाड़ी रियर से भी और फ्रंट से भी। तो ये चीज़ अच्छी लगने वाली है, जब आप ये छूओगे तो अपने आप ये ओपन हो जाएगा। अगर आप चाबी आपके पास पे है इसे अनलॉक करते हो तो ये ORBM बाहर निकल जाएंगे। इस पर टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, खूबसूरत लग रहा है। ये पूरा का पूरा जो विंडो एरिया है यहाँ पर आपको क्रोम का इस्तेमाल मिलने वाला है। ये गाड़ी सिर्फ एक ही वेरिएंट में आती है और इसका मैं कौन सा बोलता हूँ कि भैया एक ही वेरिएंट को अगर आप बेच रहे हो इंडिया में तो एक आध वेरिएंट, दो वेरिएंट और होने चाहिए थे इसके, तो जिससे लोगों को और ज़्यादा चॉइस मिल जाती। रूफ रेल यहाँ पर आपको सिल्वर कलर का मिल जाता है, अच्छा लगेगा और जब आप सामने तक जाएंगे तो महसूस हो जाएगा जब थोड़ा चल के देखेंगे कि कितनी लंबी है। तो अपनी लंबाई के हिसाब से इंटीरियर में कितनी जस्टिफाइड हुई है इसकी चर्चा करेंगे जब मैं इंटीरियर में जाऊँगा। तो साइड प्रोफाइल से इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके रियर की। रियर में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगने वाली हैं वो दिखा दे। तो सबसे पहले दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। डिफॉगर मिल जाता है, प्रीमियम कार है ना बताता तब भी चलता। रियर वाइपर है, यहाँ पर बड़ा सा स्टॉप माउंट लैम्प, शार्क फिन एंटीना, बड़ा स्पॉइलर और ये बहुत ही खूबसूरती से दिया गया है इसमें टेल लैम्प जो कि पूरी तरीके से LED है। XC60 बैजिंग वॉल्वो और यहाँ पर वेरिएंट का जिक्र किया गया है BSAWD। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं और यहाँ पर जो पार्किंग सेंसर मिलते हैं 1, 2, 3, 4 और अगर देखना चाहते हैं आप कि इसमें कितने एग्जॉस्ट है, ड्यूअल एग्जॉस्ट के साथ आती है तो एक एग्जॉस्ट इधर है, एक एग्जॉस्ट उधर है, लेकिन बहुत ज़्यादा झुक के आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बढ़िया पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल और ये क्रोम का इस्तेमाल मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें जो मिलता है फीचर वो दिखाता हूँ आप इसके पास जैसे आएंगे ये देखिए अपने यहाँ पे खुल जाएगा। जब पैर से इसमें लगाएंगे सेंसर दिए गए हैं, ये अच्छा लगेगा और जब आप इसे ओपन कर देंगे तो 495 लीटर का एक बड़ा बूट इसमें मिल जाता है और यहाँ पर ऑर्गेनाइज वे में एक जो ये ट्रे मिलता है इसके ठीक नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, ज़रूरत पड़ जाए यूज़ कर सकते हैं। और ये कुल मिलाकर एक खूबसूरत अंदाज इसमें मिलता है। अगर आप भी बैठ जाएंगे यहाँ पर तो जगह की कमी महसूस नहीं होने वाली है और अगर ट्रैवल करने वाले सिर्फ दो लोग हैं तो पूरी सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं जिससे आपको बहुत सारी पर्याप्त जगह इस गाड़ी में मिल जाए। तो रियर से इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चलते चलते इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ। सपोज करिए अगर आपको इसे बंद करना है तो यहाँ पर यह बटन बंद कर दीजिए और अगर आपका सर वगैरह हाथ आ जाता है यहाँ पे तो ये अपने आप फिर से ऊपर चला जाता है। तो ये सेफ्टी फीचर है और ये बहुत कायदे से इसमें दिया गया है और वॉल्वो XC60 की ये बात आपको अच्छी लगने वाली है। चलिए इसे बंद कर देते हैं और आगे आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। और अब
रुक करेंगे सीधे इसके सेकेंड रो का। तो दोस्तों इसके मैं रियर सीट पर आ गया हूँ और अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, कैसा कैसा कंफर्ट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, हालांकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट अलग अंदाज में दिया गया है, ये नहीं कि आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइड में आपको बटन मिल जाता है जिससे आप थोड़ा आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको सहूलियत यहाँ नहीं मिलती है। आर्मरेस्ट मिल जाता है दोनों पैसेंजर के लिए और दो ही लोग यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके अलावा जब ये खोल देंगे तो यहाँ पर दो हक्का फोल्डर मिल जाते हैं और ये वाला आपको जगह यहाँ मिल जाएगा, उस साइड में जो भी बैठेगा वो अपना हाथ रख सकता है। सीट का अगर कुशनिंग की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल दिया गया है और ये इस कलर में आपको बहुत पबने वाला है और इस पे स्टिचिंग दी गई है, एक प्रीमियम अंदाज उभार देती है। और इस सेगमेंट में अगर बोलें कि सबसे बेहतर आपको सीट कुशनिंग मिलती है तो गलत नहीं होगा और ये बहुत अच्छा लगने वाला है। ये सीट मुझे बहुत पसंद आई और यहाँ पर बैठकर मुझे इतना लेग रूम मिल रहा है। पानी के बोतल वगैरह आप रख सकते हैं, हालांकि बड़ी बोतल बहुत इसमें नहीं लगा सकते हैं, नॉर्मल बोतल लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको बावर्स एंड बिल्किंस का साउंड सिस्टम मिल जाता है, बहुत धमाकेदार इसकी आवाज़ है, सुन के जाइएगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पर एक क्लिप डाल दूंगा। और यहाँ पर बैठकर आपको अच्छा लगने वाला है। रियर एसी वेंट आपको डिजिटली कनेक्ट मिल जाता है, तो इस तरीके से आप पूरा आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर टच स्क्रीन के जरिए पूरा ऑपरेशन यहाँ पर इसका होता है और ये बहुत अच्छे से कूलिंग देता है पीछे, यहाँ बैठकर मैं बता सकता हूँ। और साथ ही अगर आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो सी टाइप चार्जिंग की सुविधा दी गई है। प्रीमियम कार है तो ये इनको मान के चलते हैं कि आप आईफोन वगैरह यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर ये सुविधा आपको मिल जाती है। बाकी एक बड़ा पैनारोमिक सनरूफ जो कि यहाँ तक आता है आपको मिल जाता है। अगर बढ़िया मौसम है तो इसका लुत्फ उठाते हुए आप आगे यात्रा पर निकल जाइए। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप दो लोग बैठेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाले हैं और सेगमेंट में अगर किसी और गाड़ी से कंपेयर करके देखना चाहेंगे तो मुझे लगता है तभी आप विन-विन सिचुएशन में रहने वाले हैं। आपको यहाँ बैठकर बुरा नहीं लगने वाला है और लगेगा कि आपने जो पैसे खर्च किए हैं 70 लाख रुपये वो कहीं ना कहीं से वसूल है। लेकिन एक आध चीज़ यहाँ पर और होनी चाहिए, उसका जिक्र कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसे बटन होना चाहिए था कि मैं यहाँ दबा देता है, अगर मैं ही बैठा हूँ यहाँ पर जिसे बॉस मोड आता है ना, तो ये आगे चला जाता और मैं और ज़्यादा पैर फैला के बैठ सकता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है एक दो चीज़ें इसमें और होती तो और ज़्यादा अंदाज इसका अच्छा होता। तो दोस्तों इसके मैं फ्रंट सीट पर आ गया हूँ, कुछ फीचर्स का जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, हालांकि अगर सेगमेंट में कंपेयर करके देखेंगे तो कुछ फ़ीचर्स आपको कम लगने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो फ़ीचर इसमें दिए गए हैं जो आपको सेगमेंट की कई और गाड़ियों में नहीं मिलने वाला है। जैसे कि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे फ़ीचर्स मिल जाते हैं, एडास जिसे बोलते हैं, जिसे आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में आया हुआ XUV700 के बाद। तो ये बहुत पहले से वाल्वो देता रहा है, यानी कि एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, इसके अलावा जितने भी अर्जेंट इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाता है वो जो फ़ीचर्स होते हैं। और इस पर आपको कोलिजन वार्निंग के अलावा ये खुद कंट्रोल कर लेती है, यानी कि अगर सामने कोई गाड़ी है तो वहाँ पर टकराने से बचा लेती है। सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर 3-स्पोक आपको ये स्टेयरिंग व्हील मिलता है जो कि बहुत अच्छे अंदाज में दिया गया है और एकदम खिलौने से माफिक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक की सुविधा इसमें मिल जाती है। यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, कर दीजिए और इसे अपने हिसाब से जितना चाहिए ऊपर नीचे आगे पीछे करना है कर सकते हैं। तो ये सहूलियत यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसे लॉक कर देते हैं और एक बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक मुझे कमी लगती है, उस कमी का जिक्र मैं कर देता हूँ, वो ज़रूरी है। इस पर जब आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिलता है, जब वो लगाते हैं तो वो पूरा का पूरा आता नहीं फील जो हमें चाहिए होता है, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग लगती हैं, यानी कि सिर्फ आपको फ़ोन करना है वो दिख जाएगा। तो एप्पल कारप्ले में क्या होता है, हमें पूरा का पूरा वहाँ जितने भी आइकॉन्स होते हैं वो नज़र आते हैं, लेकिन इसमें नहीं आते। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और ये कंपनी को करना चाहिए। सबसे अच्छा फीचर जो इसमें दिया गया है वो है यहाँ पर आपको मसाज फंक्शन मिल जाता है और वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, जैसे कि आप इसे कूल कर सकते हैं, हॉट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे फीचर्स में से एक है। लेकिन आपको जो ये हेडरेस्ट मिलता है ये एक जगह फिक्स मिलने वाला है, इसे आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, तो इसे आप इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो आपको थाई सपोर्ट है ये आगे पीछे करने की सहूलियत मिल जाती है। तो ये कुछ वो फीचर्स हैं जो आपको पसंद आने वाले हैं इस गाड़ी में, और इस गाड़ी को आप सारे दरवाजे से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बटन दे दिया गया है, मेमोरी फंक्शंस भी मिल जाते हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको इसमें पसंद आने वाला है, जिसका जिक्र ऑलरेडी मैंने कर दिया है। यहाँ पर आपको जो लीवर मिलता है बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर है, तो ये आर पार नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लगता है। गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप करने का जो बटन दिया गया है ये भी मुझे अच्छा लगा। यूटिलिटी स्पेसेस के नाम पर आपको बहुत सारी जगह मिल जाती है, यहाँ भी जगह मिल जाती है, और दो सी टाइप चार्जिंग की सुविधा यहाँ पर दी गई, दो मोबाइल यहाँ पर चार्जिंग पर लगा सकते हैं। फोन यहाँ रख दीजिए, चार्ज होता रहेगा, वायरलेस चार्जिंग का जिक्र शुरू में ही किया था मैंने, तो यहाँ पर रख देंगे ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। और इसे आप
यहाँ खोलेंगे तो 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी मिल जाता है। ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में आपको मिल जाती हैं। दोनों दरवाजे पर पर्याप्त पानी वगैरह रखने की जगह मिल जाती है। एक बड़ा कंपार्टमेंट यहाँ पर ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, जहाँ पर आप सामान बहुत सारे रख सकते हैं। एसी वेंट का अंदाज अच्छा लगने वाला है। ब्रावर्स एंड बिल्किंस का साउंड सिस्टम आपको अच्छा लगेगा। IRBM ऑटो डिमिंग है। सनरूफ खोलने का जो सिस्टम दिया गया है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर कोई बटन नहीं मिलता, तो आप ऐसे कर दीजिए ये खुल जाएगा, और जब बंद करना हो तो यहाँ से एक बार इधर कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। तो ये बहुत खूबसूरत लगा। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर आपको पसंद आने वाली हैं इस वॉल्वो XC60 में, और जब आप इसे खरीद कर चलेंगे ना तो 100% आप इसके प्यार में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलाकर देख लेते हैं इस वॉल्वो XC60 को, और आपको बताता हूँ शुरुआत करेंगे 0 to 100 से। तो एक बार एक्सप्लोर करते हैं इसमें। पेट्रोल इंजन जो लगा हुआ है ये 2 लीटर का है, और ये देता है 250 HP की शक्ति और 350 Nm का टॉर्क। तो देखते हैं कहां पर ये रिफ्लेक्ट करता है अपने परफॉर्मेंस को। 45, 50, और ये एक बढ़िया शुरुआत बोल सकते हैं इसको। तो मैं 0 to 100 करना चाह रहा था, तो यहाँ पर आपको 0 to 100 मिल जाता है। इसमें 8 स्पीड का आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, और बड़े प्रिसाइजली शिफ्ट करता है। यहाँ पर आपको एक देखिए इस तरीके का डायमंड टाइप का मिल जाता है, ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। शिफ्टिंग बड़ी स्मूथ है, लेकिन अगर शिफ्टिंग की बात करें, जब शिफ्ट करता है ना तो वहाँ पर एक लैग आता है, आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी शिफ्ट कर रही है। तो जो और गाड़ियाँ हैं इस सेगमेंट में, जैसे BMW हो गया, मर्सिडीज़ हो गया, ऑडी हो गया, तो अगर उनके पेट्रोल इंजन से कंपेयर करके देखेंगे तो लगेगा कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है गाड़ी, लेकिन फिर भी एक बढ़िया अंदाज में आपको आगे बढ़ा देती है। फटाक से 0 to 100 आ जाता है, जहाँ पर कंपनी दावा करती है ब्रेकिंग बाइट्स बड़े सॉलिड उसी दौरान आपको मिल जाते हैं। और केबिन में अगर इंसुलेशन की बात करें तो आपको केबिन बहुत ही शांत मिलने वाला है। तो ये इस वॉल्वो XC60 की खासियत है, और मुझे बहुत पसंद आई वॉल्वो XC60 इस मामले में। और अगर आपको खुले रास्ते मिल जाते हैं तो जो रफ्तार होगी, यानी कि देखिए जैसे भरना शुरू करती है रफ्तार ना, तो मन करता है कि जल्दी से जल्दी ये बहुत सारी रफ्तार पार कर जाएगी, यानी कि 100 तो यूं ही पकड़ लेती है। तो मन करता है कि इसके ऊपर ही चलते रहो, मतलब ये रफ्तार होगी जहाँ पर आपको चलने का मन करेगा इस गाड़ी के साथ, और आप हमेशा इस पर चलना पसंद करोगे। तो ये मुझे बहुत ही काफ़ी अलग लगती है, और इस मामले में आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। बहुत सारे इसमें आपको फ़ीचर मिल जाते हैं, आपके हाथ में एक्सेस मिल जाता है, जैसे मैंने जिक्र किया था अपने वॉकराउंड में कि यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो एपल कारप्ले जो मिलता है उसका इंटरफेस इसका बहुत अच्छा होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। थोड़ा और बेहतर होता तो शायद आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता ये वॉल्वो XC60, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर आपको मिसिंग मिलने वाली है। और जब आप इसके साथ में काफ़ी लंबे समय के लिए जी रहे होंगे तो वहाँ पर अच्छा क्या लगेगा, केबिन का इंसुलेशन आपको हमेशा पसंद आने वाला है, स्टीयरिंग का फीडबैक आपको मिलता रहता है, तो जब आप ओवरटेक कर रहे होते तो कॉन्फिडेंस आपको अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग जानने की कोशिश करते हैं अभी भी कि ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है, तो बहुत जिनको नॉलेज नहीं है उनकी वजह से आप उनकी नज़रों में बने रहते हैं, और ये आपको आपको एकदम अलग दुनिया में बना के रखती है। अभी अगर देखेंगे तो BMW, Mercedes, Audi ये गाड़ियाँ तो नॉर्मल हो गई हैं जो दिखती रहती हैं, लेकिन अगर आप वॉल्वो XC60 चलाओगे और किसी छोटे शहर से आप बिलोंग करते हो तो हो सकता है कि आपके पास में अभी ऐसा मौका रहे कि इकलौते आप हो जिसके पास ये वॉल्वो की गाड़ी है। तो डिपेंड करता है इसका सर्विस वगैरह कैसे मिलेगा, कंपनी कैसे प्रोवाइड करवाती है उन शहरों में जहां पर इसके सर्विस सेंटर नहीं है, डीलरशिप नेटवर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मतलब एक टेस्ट, जो स्वीडिश टेस्ट का जो मैं जिक्र करता रहता हूँ वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो वो खूबसूरती आपको इस गाड़ी में हर जगह से रची बसी मिलने वाली है। तो खूबसूरती के साथ में आपको अच्छा लगेगा। 15 स्पीकर मिलते हैं जो कि आपको हमेशा इंटरटेन करके रखते हैं, अगर आप जीना चाहेंगे उनके साथ में तो वहाँ पर आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक चीज़ का जिक्र बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो यहाँ पर जो आपको सस्पेंशन मिलता है अगर अन्य गाड़ियों से कंपेयर करके देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बढ़िया लगेगा, क्योंकि इंडियन कंडीशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट करके रखती है। और देखिए ये इसका फीचर है, बोलते हैं लेन में अपने आप इसका जो लेन कीप असिस्ट है ना काम करना शुरू कर देता है, तो आपको पकड़ने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर करके इसे छोड़ देता हूँ, देख लीजिए मैं सिर्फ एक्सीलरेट करूँगा, और चाहूँ तो मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा सकता हूँ। तो अगर ये बाहर जा रहा हूँगा ना तो ये इस लेन में ले आती है, और अगर उधर जा रहा हूँगा तो उधर फिर खींच के यहाँ पर ले आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में आ जाता है कि आप अप्लाई कर लीजिए स्टीयरिंग।
पर अपना हाथ रख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार अंदाज में इस गाड़ी में दी गई हैं और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है ये सब कुछ इस गाड़ी का। और आप आराम से अगर धीरे धीरे चलना चाहेंगे तो आपको शहर के पूरे मज़े मिलते रहेंगे, लेकिन आपको मन करेगा कि सामने जा रही गाड़ी आपसे आगे नहीं होनी चाहिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए वो शायद तो दूसरी गाड़ी होगी, उनको पूरे एफर्ट के साथ में जोर लगा के आगे भागना पड़ रहा है, लेकिन आप बड़े एफर्टलेसली आगे निकल जाते हो। तो ये प्रीमियम कार के फ़ायदे होते हैं पेट्रोल इंजन में, हालांकि डीजल में नहीं आते। डीजल में मैंने बहुत सारी वाल्वो चलाई हैं, लेकिन अगर ये डीजल में होती है तो मुझे लगता है और लोगों को पसंद आती, बट पेट्रोल में भी ये लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और बढ़िया माइलेज भी मिलता है। माइलेज का जिक्र किया तो बता दूं, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लगातार चलाएंगे तो वहां पर हो सकता है माइलेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। वैसे आपको माइलेज 12-13 का मिल सकता है आराम से, डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करते हैं। अगर आप इसे लगातार क्रूज़ कंट्रोल पर ड्राइव करेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया माइलेज मिलेगा। अगर आप क्रूज़ कंट्रोल अप्लाई नहीं करेंगे, नॉर्मली सुनी सड़कें नहीं हैं, आप बम्पर टू बम्पर कर रहे हैं, मिक्स ट्रैफिक में चला रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 10 से 12 के बीच में माइलेज मिल जाएगा। मुझे लगता है एक प्रीमियम कार के लिए अगर ये नंबर मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जब आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं, कहीं से मुड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको इस गाड़ी का एक अलग ही कैरेक्टर मिलता है। और ये एसयूवी होने के बावजूद इसमें आपको कहीं से बॉडी रोल फील नहीं होता है, और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी इस वॉल्वो XC60 की। यहाँ पर आपको मज़ा आएगा, देखने में बहुत अच्छी लगती है। अगर विजिबिलिटी की बात करें, सामने से सब कुछ आपको आपकी आंखों में रहता है, ये पिलर आपको एकदम बाधा नहीं देता है कि आपके सामने कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, कोई ब्लाइंड स्पॉट बना रहा है। और साथ ही ORBM पे आपको सब कुछ नज़र आता रहेगा, IRBM पर आपको सब कुछ दिख जाता है। तो ये इसका कंफर्ट है। और यहाँ पर जो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है, यहाँ पर मसाज फंक्शन दिया गया है, तो इस सीट के दोनों तरफ आपको मिल जाता है, तो दोनों मतलब पैसेंजर और ड्राइवर दोनों को बढ़िया मसाज मिल जाता है। जो अगर आपको बढ़िया मसाज चाहिए तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, मसाज आपको मसाज मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि मुझे मिल चुका है। वो दिखा नहीं सकता किस तरीके से मिल रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया अंदाज में यहाँ पर आपको मसाज सिस्टम मिलता है। और ये इंटरफेस मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि थोड़ा बदलना चाहिए, वालों को इस पर सोचना चाहिए कि किसी और अंदाज में इसे दिया जाए, क्योंकि अब काफ़ी वक्त हो गया है इसको देखते हुए लोगों को, और उम्मीद कर रहे हैं कि वाल्वो कुछ और तरीके से इसको लेकर आए। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं बोलूं 90% बातें इसके फेवर में जाती हैं और 10% में हर जगह कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। देखिए ये बैल गया यहाँ से, गाड़ी ने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया, मतलब ब्रेकिंग फटाक से, अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़े तो ये डिसअपॉइंट कहीं से भी नहीं करती है। और कई बार क्या होता है, चलते चलते जहाँ पर आप नहीं अप्लाई कर पाते हैं ब्रेक ना, ये गाड़ी खुद अपने ब्रेक अप्लाई कर लेती है। तो ये सारी बातें हैं जो इस वॉल्वो XC60 के फेवर में जाती हैं और कहीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगने देती हाथ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी का अंदाज। पीछे बैठे या आगे बैठे कंफर्ट आपको पूरा मिलता है, हालांकि यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, बट मुझे लगता है उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। जिस तरीके का इसका डिज़ाइन दिया गया है ना, उसकी यहाँ पर एकदम आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तो आप गाड़ी को चलाते जाइए, जितना आप चलाते जाएंगे उतना इसके मोहब्बत में पड़ते जाएंगे, जितना आप इसके मोहब्बत में पड़ते जाएंगे उतना मन करेगा कि और आप रास्ता नाप लें। ये पेट्रोल इंजन बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही शांत है, धमाकेदार भी बोल सकते हैं। गियर शिफ्टिंग पता चलती है, वो एक इसका पार्ट है, लेकिन केबिन इंसुलेशन बहुत ही जवाब लगता है। बोनट आपको नजर आता है, आप ड्राइव कर रहे होते हैं, आपकी हाइट कुछ भी है तो आप इसमें पूरी तरीके से समा जाते हैं और सारे फीचर्स के साथ में ये आपको पसंद आ जाती है। तो ये वो सारी बातें थी जो मैं बताना चाहता था इस वॉल्वो XC60 के बारे में, और ये चीज़ें आपको पसंद भी आने वाली हैं। तो ये मेरे ड्राइविंग का पार्ट था, तो मैंने सोचा चलो आपसे सब कुछ साझा किया जाए, और साझा करते करते मुझे ये सब कुछ जिक्र करने में बहुत मज़ेदार लगा। डिज़ाइन, कंफर्ट और परफॉर्मेंस, इनके साथ में एक बढ़िया कॉम्बिनेशन दे जाती है ये गाड़ी, और आपको आपके शहर में एकदम अलग बना सकती है। वजह है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा नहीं बिकती है बहुत सारे शहरों में, तो ये आपको सबसे ज़्यादा अलग लगने वाली है, और अपने यूनिक फीचर्स की वजह से भी आपको ये पसंद आ सकती है। कम्फर्ट अच्छा है, अगर आपके पास चाबी है वाली तो इसे भी आप चाहें तो विंडो को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, तो ये भी एक शानदार फीचर है। तो कुल मिलाकर आपको ये वॉल्वो XC60 इस बजट में पसंद आ सकती है अगर आप दूर भागना चाहते हैं मर्सिडीज़, BMW और ऑडी से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ, मेरा इंस्टा हैंडल है @amit.dwivedi, सवाल करें सारे जवाब ले जाएँ।